दोस्तों, क्या आप अपने खुद के WhatsApp स्टिकर बनाना चाहते हो? जैसे कि आप स्क्रीन पर दिख रहे हो, इस तरीके से स्टिकर काफी वायरल है। लेकिन इस जगह पर अगर आप अपना फेस डालोगे, अपने अपने पोज डालोगे, तो काफी अच्छे जो है आप अपने स्टिकर्स बना सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफी सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके खुद के जो है WhatsApp के स्टिकर आप किस तरह से बना सकते हो, उस पर टेक्स्ट कैसे डाल सकते हो और अपने दोस्तों को वो स्टिकर सेंड करके आप उनको इम्प्रेस भी कर सकते हो। काफी सिंपल तरीका है। एक WhatsApp पे नया फीचर आया है, नया अपडेट आया है, उसको किस तरह से यूज करना है और अट्रैक्टिव जो है स्टिकर्स HD क्वालिटी में किस तरह से बनाना है, ये मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेगी और एक भी फेक वीडियो चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, साइड में आपको स्क्रीन दिख रही है, बस इस स्क्रीन को फॉलो करना है। नॉर्मली जैसे हम अपना WhatsApp ओपन करते हैं, आपको अपना WhatsApp ओपन करना है दोस्तों, पूरा कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं अपने दोस्त का एक अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, मेरा दोस्त का अकाउंट मैंने ओपन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर स्टिकर जो कि इमोजी का ऑप्शन आपको चैट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इमोजी देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो पूरी इमोजी। उसके बाद दोस्तों, GIF के ऑप्शन आपको पता ही हो गए उसमें। उसके बाद दोस्तों, उसके साइड में अवतार जो कि नया फीचर आया है, एक साल हो गया लगभग, उस पर भी मैंने वीडियो डाला है किस तरह से अपने खुद के अवतार आप क्रिएट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सेम अवतार आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, साइड में स्टिकर का ऑप्शन है, ये भी काफ़ी समय से है। तो इसमें आप पहले क्या करते थे, इस तरीके से स्टिकर्स मिलते थे आपको रेडीमेड, उसके बाद आप एप्लीकेशन से भी इंस्टॉल कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों, काफ़ी दोस्त अपने शेयर करते तो उनके आप सेव करके भी फेवरेट बॉक्स में आप यहाँ पर ऐड कर सकते थे। लेकिन अब नया फीचर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों क्रिएट ऑप्शन एक नया आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। क्रिएट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सिंपली आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो सिंपली गैलरी पर आ जाना है। तो यहाँ पर गैलरी में जो भी फोटोज है वो आ जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो सिंपली मैं एक फोटो लेता हूँ जिसका स्टिकर बना है। तो यहाँ पर लोडिंग लेगा और आप यहाँ पर देख सकते हो एक फोटो है जो कि मेरी, इस तरीके से आप देख सकते हो ये फोटो है। इस तरीके से फोटो क्रॉप हो जाएगी और साइड में कटआउट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर हाथ जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि धन्यवाद मैंने लिख दिया है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ मैं, और यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक बोल्ड वाला फॉन्ट लेता हूँ दोस्तों, धन्यवाद इस तरीके से आया है। तो इस फोटो को मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, और इस धन्यवाद को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो, एक धन्यवाद बोल के मेरा एक मतलब फोटो है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने सेंड कर देता हूँ। तो सेंड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से धन्यवाद आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंड हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टिकर में आओगे तो आपको यहाँ पर स्टिकर्स देखने को मिलेगा। आप दूसरी भी फोटोज ले सकते हो, जो चाहे आपके पोज हो उस तरीके से आप रिएक्शन वाले भी स्टिकर्स क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया कि WhatsApp पे आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करके वहां पर आपके स्टिकर्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये फीचर पता नहीं था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ी सी भी हेल्प हुई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।